नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में हनुमान चालीसा से लेकर आजान, लाउडस्पीकर, बुलडोजर, पॉलिटिक्स, यूनिफॉर्म, सिविल कोड, हर मुद्दे पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। तमाम मुद्दे, जहां महाराष्ट्र में एक तरफ हनुमान चालीसा वर्सेस आजान पर कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलना या फिर केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अमित शाह का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलना, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जी लाइव हमारे साथ इस वक्त AIMIM के अध्यक्ष जुड़ गए हैं आज तक पर। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। जी शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आपकी सियासी जमीन हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक फैली हुई है। आपने कई अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन सफलतापूर्वक महाराष्ट्र में भी आपने चुनाव लड़ा है। महाराष्ट्र में इस वक्त महाभारत है, महाभारत है हनुमान चालीसा के पाठ पर, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाउडस्पीकर पर अजान मस्जिदों में बजे, इसके खिलाफ कई पार्टियां जिसमें बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं, शामिल हो रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यह है कि यह एक कॉन्स्पिरेसी है, मनसूबन तरीके से पॉलिटिकल फायदे के लिए बीजेपी ये कर रही है। जो बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, जब जोशी साहब मुख्यमंत्री थे, तो जब उनको याद नहीं आया लाउड स्पीकर, और रमज़ान का मुबारक महीना है, तो आप हमको रमज़ान भी सुकून से मार नहीं देना चाहते, तो आप ये मसले को उठाते हैं। और मुझे लगता है कि दो भाइयों का झगड़ा भी है, तो दो भाइयों का झगड़ा एक दूसरे पर वन अपमैनशिप का मसला है, तो इसलिए ये सब चीजों को उठाया जा रहा है महाराष्ट्र में। आप कह रहे हैं ये कौन बड़ा हनुमान भक्त इस बात की लड़ाई है बीजेपी और शिवसेना में? नहीं, दो भाइयों की लड़ाई है, वन अपमैनशिप की लड़ाई है, तो इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। वरना जब सरकार में बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, तो तब तो मुंह में इनके लड्डू था, गुलाब जामुन हाथ में था, तो इसलिए खामोश बैठे थे। आज अचानक इस मसले को उठाया जा रहा है, और पूरी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में अमन को बर्बाद किया जाए और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, तो इसीलिए इस मसलों को उठाया जा रहा है महाराष्ट्र में। अब इसके जड़ पर पहुंचते हैं सर, क्या इस देश की अदालतों का ये मानना नहीं है कि अजान इज बेसिक एंड नेसेसरी फॉर इस्लाम बट लाउडस्पीकर इज नॉट? यहीं से ये पूरा निकल रहा है। 140 मस्जिदों से योगी आदित्यनाथ ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए हैं। उन्होंने गोरखनाथ पीठ में भी जाकर जब तेज भजन बज रहा था तो उसकी आवाज धीमी की। क्या आपको नहीं लगता ये पहल होनी चाहिए कि अगर लाउडस्पीकर एसेंशियल नहीं है इस्लाम के लिए, वो बाध्य नहीं है, तो लाउडस्पीकर हटना चाहिए? नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और क्या लाउडस्पीकर कैसे मस्जिद पर लगता है, किसी और दीगर इबादतगाह पर, रिलीजियस प्लेस पर नहीं लगता है लाउडस्पीकर? क्या सिर्फ रमजान में या सिर्फ अजाम में लाउडस्पीकर इस्तेमाल होता है? क्या दूसरे मजहब के त्योहारों में इस्तेमाल नहीं होता? तो देखिए, मुल्क में एक माहौल जो बनाया जा रहा है ना, वो ये माहौल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, मुसलमानों के खिलाफ ये बावर किया जाए हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को कि मुसलमानों से खतरा है आपको, इस्लाम से खतरा है आपको, अजान से खतरा है आपको, हिजाब से खतरा है आपको, गोश्त से खतरा है आपको, मुसलमानों के वजूद से आपको खतरा है। तो अगर इस तरह की अगर पॉलिटिक्स बीजेपी और संघ परिवार कर रही है, तो देश के जिम्मेदारों के समझना पड़ेगा, देश के नागरिकों को ये बात को समझने की जरूरत है। आप क्यों नहीं अपील करते हो वैसी साहब? ठीक है, अगर आपका कहना है कि हर जगह से हटना चाहिए, मंदिरों से भी हटे, मस्जिदों से भी हटे लाउडस्पीकर? मैं क्यों अपील करूं? मेरा उसमें क्या काम है? मेरा बोलना यह है कि सिर्फ रमजान आते ही, रमजान शुरू होते ही इन तमाम कंट्रोवर्शियल चीजों को उठाया जाता है, और उसके बाद वो इशू खत्म हो जाते।
आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? भाई रमजान हमारे लिए रोजा रखना, उसमें इबादत करना, जकात निकालना सबर का महीना है हमारे लिए, उसमें भी आप इस मसलों को खड़ा करते हैं, तो सरकार उठा रही है ना इन मसलों को पूरा? सरकार नहीं उठा रही है। अगर ना आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है कि नहीं सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जजमेंट का हवाला दे रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, किसी के घर को दुकान को तोड़ने से पहले नोटिस देनी चाहिए? कहां गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की पासो लिहाज रख रहे हैं आप? बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश खरगोन में 22 घरों को और झोपड़ियों को तोड़ दिया, सेंधवा में 11 मुकम्मल घरों को तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में एक लड़की एक मुसलमान लड़के से शादी करती है, उसका नाम होता है आरिफ खान, डिंडोरी में, तो शादी क्यों की, उसका घर आप तोड़ देते हैं आसिफ खान का? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको दिखता नहीं क्या कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस को फॉलो करनी चाहिए, नोटिस देनी चाहिए? ठीक है, मैं उस पर आऊंगी सर, बुलडोजर पॉलिटिक्स पे मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है। नवनीत राणा पर राजद्रोह लगा दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने, हनुमान चालीसा अगर कोई मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर पढ़ेगा, मातोश्री पर जाकर पढ़ेगा, तो उस पर राजद्रोह लगा देना सही है? देखिए जहां तक वो सेक्शन लगाना, वो बड़ा सीरियस सेक्शन होता है और प्रोसिक्यूशन कोर्ट में कभी उसको प्रूव ही नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि क्या कोई वॉयलेंस हुआ। हाँ, उनका उन दोनों का, हस्बैंड एंड वाइफ का, एक सांसद है और एक विधायक है, उन लोगों का यह बोलना कि हम किसी के ऑफिस में घर के पास जाकर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई? अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर देगा कि भारत के बल्कि दिल्ली के पूरे मुसलमान प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाकर नमाज पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप तो वहां पर पुलिस को कहेंगे कि मारो गोली इन मुल्लों को, खत्म कर दो इन लोगों को। मैं एक कॉल दूं कि चलो कल प्रधानमंत्री घर के सामने हम जाकर नमाज पढ़ते हैं और वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, क्या होगा फिर? लेकिन खुले में इसको लोग नमाज को समझने की जरूरत है। हाँ, वो सेक्शन बहुत स्ट्रांग सेक्शन है, उसको कोर्ट में नहीं, लेकिन खुले में सर लोग नमाज नहीं तो किया पढ़ते जा सकता कोर्ट में। लोग खुले में नमाज तो पढ़ते हैं, किस पर गोली चल रही है देश में? कहां पढ़ने दे रहे हैं? नहीं, कहां पढ़ने दे रहे हैं? गुड़गांव में पढ़ने दे रहे हैं? गुड़गांव में तो पुलिस गवर्नमेंट ने सरकार परमिशन देकर कैंसिल कर दिया, कहां गुड़गांव में पढ़ने दे रहे हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो अमरावती की मैडम एमपी साहिबा ने जो ऐलान किया था, अगर वैसा ही कोई दूसरे किस्म का ऐलान कर दे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के दफ्तर के सामने जाकर हम कुरान पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे भाई? अनार्की पैदा करेंगे क्या देश में आप? भाई आप वहां जाकर पढ़ेंगे? तो हाईकोर्ट ने भी उनको कहा ना कि हाईकोर्ट ने भी कल उनके ताल्लुक से ये ऑर्डर में कहा, जहां तक मेरी मेमोरी सही है, कि वो एक जिम्मेदार एमपी और एमएलए हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना चाहिए। ठीक, आप ही से मिलती जुलती बात उद्धव ठाकरे साहब ने भी कही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर में पढ़िए, ये हिंदुत्व का पाखंड लेकर बाहर मत आइए, वरना बाबा साहब की तरह हमको सब, उन्होंने जिक्र किया और कहा कि हम वो ठीक करना आता है सबको, बाला साहब ठाकरे का जिक्र करके। अरे वो अपने भाई को ठीक नहीं कर रहे, दूसरों को क्या ठीक करेंगे? अरे वो अपने भाई को ठीक नहीं कर रहे, किसको ठीक करेंगे? वो अपने भाई को ठीक करे ना, दो भाइयों का झगड़ा है ये। दोनों भाइयों का नाम बता दीजिए सर, उद्धव के भाई कौन? अरे उनके भाई हैं मैडम, मैं क्यों किसी का नाम लेके इज्जत बख्शूं उसको? आप अपने भाई को सुधारिए दूसरों को सुधारने से पहले। लाउडस्पीकर पर एक आखिरी स्टैंड मैं आपका जानना चाहती हूं, जिसके बाद बुलडोजर पॉलिटिक्स पे चलेंगे सर। लाउडस्पीकर क्यों नहीं बंद होना चाहिए? मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस देश की अदालतों ने कहा है ना कि लाउडस्पीकर नहीं, नवरात्र में जो रात भर के लिए लोग पाठ करते थे उसको बंद कराया गया, कई जगहों पर बंद है, तमाम जगहों पर बंद है ऐसा मैं नहीं दावा करूंगी, लेकिन बंद किया गया है। ऐसा ही क्या मस्जिदों से भी? मुंबई में बंद है? मुंबई में बंद है? कहीं बंद नहीं किया गया, कहीं बंद नहीं किया गया मैडम।
नहीं बंद किया गया मैडम। देखिए जो रूल पोजीशन है नॉइस पोल्यूशन 2000 रूल्स जो है उसमें सरकार को इजाजत है कि वो दे सकती है परमिशन, वो परमिशन मिलता भी है। और अगर आपको मैं बता रहा हूं कि एक कोई दूसरे टीवी चैनल के एक रिपोर्टर ने अपने ही बिल्डिंग सोसाइटी में कुछ भजन कीर्तन हो रहा था उस पर एतराज किया तो पूरे सोसाइटी के लोग उस पर बरस पड़े। ये आज से 10-12 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूं। वो तो बेचारा कोई दूसरे टीवी चैनल का एक करस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया कि मुझ पर ऐसा हो गया है। मेरा बोलना यह है कि मुसलमानों की हर चीज से नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बीजेपी और संघ परिवार ने मुसलमानों पर ऐलान जंग कर चुकी है। अब आते हैं बुलडोजर पर। आपको जहांगीर पूरी भी धर्म के चश्मे से दिख रहा है सर, जबकि पहली दुकान झाजी की टूटी, आखिरी दुकान गणेश गुप्ता की टूटी, लेकिन आप उसको भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं सर, जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को ढाने पर। क्यों टूटी उन लोगों की? मैंने तो उस वक्त उसका भी कंडेम किया, इलीगल एंट्री। जिस दिन रात में मैं गया, मैं तो गुप्ता साहब से मिलने की कोशिश किया, मर मालूम नहीं। मैडम आप मेरी बात को समझिए, दिल्ली में दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट 1957 है, सेक्शन 343 क्या कहता है बताइए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1957 है, उसके रूल्स क्या कहते हैं बताइए। आप बगैर किसी को नोटिस दिए किसी का डेमोलिशन नहीं कर सकते आप। ये दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 सेक्शन 343 कहता है, चाहे वो असद की दुकान हो या हमारे गुप्ता साहब की दुकान हो, आप कौन होते तय करने वाले? ये बीजेपी की सरकार ने किया। दूसरी बात, क्या अप्रैल 20 को बीजेपी दिल्ली के चीफ ने लेटर नहीं लिखा कि ये पत्थरबाज हैं, इन लोगों ने इस तरह का काम किया, इनके कारोबार को, इनकी दुकानों को, घरों को तोड़ दिया जाए? वो लेटर लिखा उन्होंने। तीसरी बात, आप दिल्ली के बारे में मुझसे पूछ रही मैडम, मैं आपको यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने कहा 2019 में कि दिल्ली में 1797 अनऑथराइज कॉलोनीज है। मैं चैलेंज कर रहा हूं जनाब अमित शाह को और वो कंसर्न मिनिस्टर को कि क्या वो सैनिक फार्म्स को, छतरपुर एनक्लेव को और आपके वसंत कुंज एनक्लेव को तोड़ेंगे? 1797 अनऑथराइज कॉलोनी से तोड़िए ना आप। कौन कह रहा है आपको नहीं तोड़ने के? तोड़ के दिखाइए, क्योंकि वो अमीरों के महल हैं। आप गरीबों की झोपड़ी, गरीबों के रोजी रोटी को बर्बाद करेंगे, मगर अमीरों के महलों को कभी आंच आने नहीं देंगे आप। दिल्ली सरकार का इकोनॉमिक सर्वे 2019-2009 का कहता है कि खाली 23.7% प्लांट कॉलोनीज में रहता है। चलिए तोड़िए आप, 77% जो अनप्लांट को तोड़ेंगे आप? नहीं तोड़ेंगे। आप सिर्फ मुस्लिम समुदाय को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते थे और अफसोस से वो कोलैटरल डैमेज हो गया गुप्ता साहब का। 12 दुकान भी कंडेम करता हूं। 12 दुकानें मस्जिद से लगी हुई थी सर, मैंने गिनी थी 12 दुकानें। क्यों वहां पे जीनत कम्युनिकेशन, फला कम्युनिकेशन, मोबाइल की दुकानें लगी हुई थी? आप तो वहां पता नहीं वहां तक जा पाया नहीं सर। जहां पे कंस्ट्रक्शन खत्म होता है उसके बाद नाला है, नाला के ऊपर लोग सीमेंट से पहले बनाते हैं, फिर अच्छी खासी बड़ी दुकानें थी, 12 दुकानें सर। आप ठीक है, नोटिस नहीं दिया, अब उनको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, गलत होगी कार्रवाई, उनको फटकार वहां लगेगी, जो भी होगा कोर्ट करेगा, लेकिन अवैध निर्माण तो अवैध निर्माण ही रहेगा ना सर। कौन डिसाइड करेगा अवैध निर्माण है वो? आप नोटिस नहीं देते। कितने सालों से इन मेयर किसका है, बीजेपी का है या असदुद्दीन ओवैसी का है, या मेयर का नाम अंजना ओम कश्यप है वहां पर? मेयर तो बीजेपी का है ना राजा। इतने सालों से आप मेयर है वहां पर, तो आपने कैसे उसको वहां पर सुना? हाँ ठीक है, चलिए इकबाल है नाम, बड़ा इकबाल का काम कर दिए वो तोड़कर। जहां पर मंदिर के सामने इलीगल एंक्रोचमेंट था तो मंदिर के जिम्मेदारों कहा गया कि बुलडोजर नहीं आएगा, आप निकाल दीजिए, और मस्जिद के सामने था तो आपने बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया, जिसका आपने अभी जिक्र किया, हम वहां पर गए थे उस मस्जिद में।
वहां पर एक खबर थी, खबर को आपने डिमोलिश कर दिया। खबर के सामने एक मंदिर थी, माशाल्लाह से आज भी इंटैक्ट है वो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है और कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहती है मुसलमानों को। कौन से कानून के तहत आपने इसको तोड़ा बगैर नोटिस दिए बताइए। मैं तो आपको दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 का हवाला दे रहा हूं, मैं आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1957 का हवाला दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का हवाला दे रहा हूं। अरे भाई, इस देश का जो बुनियाद है ना मैडम, एडिफेस है, वो रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट है, उसकी धज्जियां उड़ा देंगे आप। पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रहे हैं सर, और जो अमीरों की बस्ती है वसंत कुंड में, आप भी पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रहे हैं सर। ना मैडम, की दुकान झाजी की दुकान सर, आपको कोलैटरल डैमेज दिखाई दे रही है। नहीं, सोचिए, कल्पना कीजिए। बिल्कुल, बीजेपी मेन डैमेज करने गई मुसलमानों का, और नफरत इतनी भर दी गई थी कि जो दुकान दिखी वो मुसलमान की तोड़ो उसको। तो उन्होंने ना मुसलमान में फर्क किया, ना गुप्ता साहब में किया। अब गुप्ता साहब सुप्रीम कोर्ट गए, बताना पड़ेगा मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में, गुप्ता साहब को और जितने वहां पर गरीबों की दुकानों को आपने तोड़ दिया, ज्यादातर मुसलमानों की थी, आपने क्या नोटिस दिया उनको? क्या बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री के दिल में एक इंसानियत का दिल नहीं है कि एक मासूम बच्चा, उसकी दुकान तोड़ी गई, उसकी बाप की तो 54-58 को चुन रहा है, टेट्रा पैक जो फ्रूट की जूस है उसको चुन रहा है। एक औरत पुकार कर कह रही है कि भैया मेरे बच्चों की पढ़ाई इससे होती है। एक घर है जिसका स्टेयरकेस आपने तोड़ दिया, ऊपर 8 लोग घर में बैठे हैं। ये आपकी इंसानियत है, ये आपकी गरीबों से मोहब्बत है। चुनाव आएगा तो सब वोट लेंगे। तो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि दिल्ली का वो मुख्यमंत्री जो आजकल मौन व्रत पर बैठा है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसने तो ये कह दिया कि वो इलाके में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, बेशर्मी के साथ कह दिया उन्होंने, ताकि दोबारा फिर जाकर तोड़ा जाए, क्योंकि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोग वहां पर बसते हैं। बीजेपी पॉलिटिकल मैसेजिंग में तो कामयाब रही ना सर, उसी मस्जिद से पत्थरबाजी का आरोप है, और उसी मस्जिद के सामने जो कमजोर कड़ी थी, 12 दुकानें चल रही थी इलीगल तरीके से, अवैध निर्माण, उनको ढहा गया। सिर्फ नोटिस दिया नहीं दिया, इसी पर चर्चा हो सकती है ना। अवैध निर्माण अगर एमसीटी ढाएगा तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में तो सही रहेगा, सिर्फ नोटिस पर ही कहीं ना कहीं चुकेंगे ना वो, अगर नोटिस नहीं दिया है। मैं चूंकि आप इतने बड़े बैरिस्टर हैं, इसलिए बाय लॉ आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, आपकी बात को मैं थोड़ी देर के लिए सच मान लेता हूं कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए, जो मैं नहीं मानता, मगर अगर फेंके गए तो आप कौन होते उनकी दुकान तोड़ने वाले? अगर पत्थर फेंके गए तो आप अरेस्ट करके कोर्ट में सजा दिलाइए, और अगर कोर्ट सजा देगा तो कोर्ट कहेगा इसकी दुकान भी तोड़ दो, इसका घर भी तोड़ दो। भाई, अदालत है तो किस लिए है? पुलिस अगर है तो किस लिए है? सरकार जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर का काम करेगी? क्या देश के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन चुके हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री पुलिस के पावर्स भी ले चुके हैं? और देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी देश के लिए खतरा है, उसको गोली मार दो, तो क्या गोली मार देंगे? तो फिर देश रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा ना मैडम, फिर तो एनआरकी चलेगी। गोली कहां चल रही है, कैसे चलेगी? अगर पत्थर फेंके गए तो आप कोर्ट में उसको प्रूफ करिए। क्या नहीं चली गोली? नहीं चली वहां पर गोली, हम पर नहीं चली गोली। अब अगर मोहम्मद अंसार हो, कोई आरोपी हो सर, तो सबको क्यों डिफेंड कर रहे हैं आप? मोहम्मद, सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मोहम्मद अंसार बीजेपी में था, मोहम्मद अंसार आम आदमी पार्टी में था, मगर मालूम हो गया कि ओवैसी जो कहता था कि अंसार किसी पार्टी में रहो वो अंसार ही रहेगा, हो गया ना काम उसका, आपने डाल दिया उसको जेल में, हो गया काम अंसार का। अंसार को तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना बीजेपी में रहने से, ना आम पार्टी में रहने से। और अंसार का एक वीडियो भी है कि वो जो जुलूस, जिसका दिल्ली पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हमने परमिशन नहीं दिया उस जुलूस को, उस प्रोसेशन को, जिनकी हाथों में तलवारें थी, देश की राजधानी में जुलूस निकलता है तो तलवारें रहेंगी क्या मैडम?
कि अरे देश की राजधानी में तलवारें लेकर कोई नाचेगा, मस्जिद के ऊपर आकर झंडा लगाएगा देश की राजधानी में, और दिल्ली की पुलिस ने, अमित शाह साहब ने कितने पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया बगैर परमिशन के, जब जुलूस निकाला गया, अगर उस प्रोसेशन को वहीं पर रोक दिया जाता, उनके हाथों से तलवारें खींची जाती, हथियार खींचा जाता, तो गड़बड़ होती नहीं थी। और मेरा मानना यह है कि जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सर आपको इतनी परेशानी, इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट्स मैंने पढ़ा हूं, पत्थरबाजी पर क्यों नहीं बोलते हैं सर आप, क्यों प्रोसेशन पर पत्थर चलेंगे? पत्थरबाजी होती रामनवमी पर, कोई अपना राम से जुलूस क्यों नहीं निकालेगा सर? पत्थरबाजी सुनिए मैडम, सुनिए, आप वहां पर गई थी, बुलडोजर पर भी आप बैठी थी, जब वहां पर दो जुलूस बगैर परमिशन के मस्जिद के सामने से जा चुके थे। ये तीसरा प्रोसेशन था जिसने पूरी गड़बड़ की, बदमाशी की और झंडा लगाया मस्जिद के ऊपर, इनके हाथों में तलवारें थीं। अगर वो जुलूस प्रोसेशन को दिल्ली पुलिस रोक देती, वहां के डीसीपी, वहां के आईबी के लोग जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, आप उसको रोक देते तो गड़बड़ होती? क्या आप पत्थरबाजी को जस्टिफाई कर रहे हैं? गड़बड़ हो ही नहीं थी, आप चाहते थे, सरकार चाहती थी गड़बड़ हो। सर क्या आप पत्थरबाजी को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने उकसाया इसलिए पत्थरबाजी हुई? मैं पत्थरबाजी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं घरों के डेमोलिशन को कंडेम करता हूं, वो इलीगल है, अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, वो अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहिए। चाहे कोई तलवार उठाया हो, चाहे कोई प्रोवोकेटिव गाने लगाता हो, चाहे किसी की इबादतगाह पर जाकर झंडा लगाता हो, ये सब इलीगल है। मेरा एक बुनियादी सवाल आज तक के चैनल को देखने वालों से, जो देश का बड़ा मशहूर चैनल है, कि दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की सरकार ने बगैर परमिशन के जुलूस को क्यों निकलने दिया? अगर वो आप बगैर परमिशन के दिल्ली की राजधानी में प्रोसेशन निकलता है, तलवारें उनके पास, तलवारें क्यों नहीं चाहिए बताइए आप? प्रोसेशन में कट्टे क्यों होनी चाहिए उनके पास? वायलेंस को कंडेम करना चाहिए, मगर आप चाहते हैं कि वायलेंस हो, आप चाहते हैं कि माहौल खराब हो, यही तो आपकी गोली चला सरकार की, बीजेपी की, उसमें सोनू शेख, यूसुफ, हाँ बिल्कुल, सोनू चिकना, उसके भी हाथ में था, यही उसने तो गोली चलाई सर। मैडम मैं तो एक पुलिस वाले को गोली लगी है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगा, मगर मेरा बोलना यह है कि अगर एक के हाथ में कट्टा हो तो वो फूल है क्या, और दूसरे के हाथ में कट्टा है तो कट्टा है क्या? एक के हाथ में कट्टा है तो वो इलीगल वेपन है, दूसरे के हाथ में वेपन है तो नहीं, वो तो महात्मा गांधी का भक्त है, उस पर फूल बरसाओ, ये कैसे हो सकता है बताइए? तो फिर आप ही के नियम से, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, इलीगल वेपन किसी के हाथ में हो, तो फिर आप ही के नियम से सर, मस्जिद के बाहर अगर बुलडोजर चले तो वो नुकसान है, मुसलमान पर आक्रमण है, और अगर झाजी की दुकान पर गिरे तो वो फूल है, कोलैटरल है। मैडम बुलडोजर क्या असदुद्दीन ओवैसी ने बिजाए थे, जिस पर अंजनाओं का शम को जाना पड़ा वहां पर? बुलडोजर बिजाने वाले का नाम अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। बुलडोजर इसलिए बिजाए गए क्योंकि दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष ने लेटर लिखा कि ये मुसलमानों ने पत्थर फेंके थे, उन पर बुलडोजर चलाइए, तभी तो बुलडोजर चला, यही वजह बुलडोजर चलाने की। और गुप्ता साहब की दुकान को तोड़ा गया, मैं कंडेम करता हूं, मगर बुलडोजर मस्जिद के सामने गेट को और दुकानों को तोड़ दिए, बाजू मंदिर पर कहा गया कि हम बुलडोजर नहीं लेकर जाएंगे, उससे थोड़ी दूर के फासले पर खबर को तोड़ दिया गया, सामने मंदिर थी, मंदिर को वैसा ही रखा गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कहां गया यह कानून, कहां गया कानून ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड मंदिर में भी हुआ है ना सर, आपने देखा ही कैसे हुआ राजस्थान में, 300 साल पुराने मंदिर पर चला है बुलडोजर, तो ये खाली एक कि मुस्लिम्स पर ही आक्रमण हो रहा है ये तो नहीं चलेगा ना सर, मंदिर टूटा ना सर वहां पे, तीन तीन मंदिर। मैडम असदुद्दीन ओवैसी ने उस
मंदिर के डेमोलिशन को कंडेम किया है और वो डेमोलिशन की हकीकत यह है कि उस म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड में बीजेपी मेजॉरिटी में है और बीजेपी ने फैसला लिया और अशोक गहलोत की कमजोर सरकार ने वो मंदिर को डेमोलिशन किया। मैं दोनों का कंडेम करता हूं, बल्कि मैं इस बात का भी कंडेम करता हूं कि कांग्रेस के नेता उस मंदिर के प्रोटेस्ट में प्रोवोकेटिव बात कहते हैं कि चलो मस्जिद की एक कंकर उठाकर देखो क्या होता है, तुम में हिम्मत है क्या। ये तमाम चीजें हुई, मैं इसका कंडेम करता हूं। जो राजस्थान में म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड में क्या आरएसएस बीजेपी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए उस मंदिर को तोड़ने पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी चुनाव के पहले, अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद और तमाम जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी आ चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओवैसी साहब, मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देश के संविधान में जो पार्ट फोर है हमारा देश के संविधान का, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डील करता है। मैं बीजेपी और संघ परिवार को आपके प्रोग्राम के जरिए ये चैलेंज कर रहा हूं और डेलिबरेटली उनको प्रोवोक कर रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं कि बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या शराब पर अल्कोहल पर पाबंदी की बात नहीं कही गई थी मैडम आर्टिकल 47 में? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जब बात करते हैं आर्टिकल 38(2) में नहीं कहा गया कि देश में जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको कम किया जाए, उस पर क्यों नहीं बात करते आप? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 39 में ABC क्या है बताइए? कितनी दौलत देश की, 90% दौलत तो 100 लोगों के पास है। आप मेरी बात सुनिए, आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 44 की जी, आर्टिकल 44 की यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। आप बताइए कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बनाने जा रहे हैं? आप क्या दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट को इंप्लीमेंट करेंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को इंप्लीमेंट करेंगे और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स आप सिर्फ हिंदू रिलीजन के मानने वालों को दे रहे हैं? क्या वो राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं है? और फिर अमित शाह बात कर रहे हैं तो गोवा में उनकी सरकार है, क्या गोवा में पोर्चुगीज फैमिली ऑन सक्सेशन लॉ के तहत वहां पर ये सिविल लॉ नहीं चल रहा है? क्या गोवा में ये नहीं कहा गया कि अगर किसी हिंदू को बेटी होती है और कई साल के बाद बेटा नहीं होता है तो क्या वो दूसरी शादी नहीं कर सकता? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिर्फ बात इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, वही आपका मकसद है और कुछ भी नहीं है। अच्छा और एक बात, क्या देश में नागालैंड में मेघालय में मिजोरम में हमने उनके कल्चर को प्रोटेक्शन का संविधान में जिम्मेदारी नहीं ली? क्या वहां पर पॉलीएंड्री की इजाजत नहीं है कि एक महिला कई पति को रख सकती है? आप इस पर बात ही नहीं करते। क्या आर्टिकल 51 में, मैडम आर्टिकल 51 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या उसमें नहीं कहा गया कि देश में भाईचारगी का माहौल पैदा हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए? अरे आप इन तमाम को भूल जाते हैं और सिर्फ यूसीसी का मंत्र चलाते रहते हैं। आर्टिकल 44 पर मैं वापस आ रही हूं सर आपके पास। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात आप अक्सर करते हैं और आर्टिकल 44 में ये है ना सर, साफ लिखा है ना कि एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स, जितनी भी उनके निजी काम हो, चाहे वो शादी हो, डिवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, जमीन हो, अगर वो ये कहते हैं कि इस तरह से प्रोवाइड यूसीसी विल प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर एंटायर कंट्री, ये तो उनका भी विजन था ना। अब हर चीज में विक्टिम कार्ड कैसे चलेगा सर, एक कानून बनेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि वहां पे नॉर्थ ईस्ट में होता है तो यहां नहीं होगा। अगर लॉ ऑफ द लैंड बनेगा जी, हाँ आप मैडम मेरी बात सुनिए, क्या बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड
नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में जिसमें नॉर्थ ईस्ट में 200 ट्राइब्स इंप्लीमेंट करेगी, जवाब दिया अमित शाह। आप बात कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर की, बाबा साहब की, क्या बाबा साहब ने नहीं कहा कि अगर आप मुसलमानों पर इस तरह दबाव डालेंगे, इस तरह कानून बनाएंगे तो कहीं मुसलमान रिवोल्ट ना कर दें? अगर ये बात ओवैसी कहेगा तो कल मुझ पर लग जाएगा सेडिशन। बाबा साहब ने बात कही थी मैडम, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ताकि अमित शाह को यह मालूम हो जाए कि गोवा में उनकी सरकार है तो क्या हिंदू लॉ 1955-56 गोवा में इंप्लीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। गोवा में पोर्चुगीज फैमिली एंड सक्सेशन लॉ है। अच्छा आप ये बताइए, क्या एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर लैंड में हमारे हिंदू बेटियों को जमीन मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप क्या दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को इंप्लीमेंट करेंगे? मैडम यूनिफॉर्मिटी और कॉमन में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी एक कॉमन लॉ को बात करती है, और आप बताइए कि मुझे संविधान में मेरा आर्टिकल 26 बी का क्या करेंगे, मेरा कल्चर क्या क्या करेंगे? मेरा कल्चर फंडामेंटल राइट है, आप उसको कैसा ओवररूल करेंगे बताइए? आर्टिकल 26 बी के तहत मैं प्रोटेक्शन लेता हूं, बताओ कैसा उसको ओवरकम करेंगे आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 38 कहता है कि देश में इनइक्वालिटी को कम करो, इनकम की सबको रिसोर्सेज मिलने चाहिए, कि आर्टिकल 47 नहीं कहता कि शराब पर पाबंदी होनी चाहिए, कि आर्टिकल 51 ए में एच ई क्या कहता है, भाईचारगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, आप उस पर बात ही नहीं करते। शराब पर पाबंदी लगाइए ना मैडम, आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इसमें क्या दुश्मनी है सर? शराब से राज्यों का इतना राजस्व आता है, मारा जाता है। शराब से क्या दुश्मनी आपकी? इतना राजस्व तमाम राज्यों को आता है शराब से, कौन बंद करेगा? दिल्ली में देखिए, राजधानी में आप देखिए, कई राज्य हैं जिनके राजस्व का सबसे भारी हिस्सा शराब की बिक्री से आता है, वो क्यों छोड़ देंगे इसको? वही तो हम कह रहे हैं कि जहां पर महिलाओं की जान चली जा रही है, महिलाओं का रेप हो रहा है एक्सीडेंट से, भारत में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है, उसमें से 60% के करीब शराब पीकर मार देते हैं। आप इंसान की मौत, महिलाओं की तकलीफ अगर आपको देख रहे हैं तो पाबंदी लगाइए ना शराब की। आप जैसा कि बिहार में आप नीतीश कुमार के साथ में, तो पूरे देश में लगाइए ना, गुजरात में भी है। महात्मा गांधी के ख्वाब को पूरा करिए, क्यों नहीं? अरे गुजरात में नाम का है, अगर कोई बाहर से आता है तो उसको शराब मिलती है, गुजरात में तो इलीगल शराब भी मिलती है। अरे चलिए, आप नाम के तो कर दिया, चलिए पूरे देश में कर दीजिए। जब चलिए अच्छा बात की, अब जब गुजरात में किया तो आप कर दीजिए पूरे प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में करिए, यूपी में करिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है पहले कर दीजिए। आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं देश की इनकम में पूरी कोशिश की जाती कि सबकी इनकम किसी हद तक बराबर हो? क्यों नहीं देश के रिसोर्सेज सबको बराबर बांटे जाएं? सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों को क्यों रिसोर्सेज दी जाती है? क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं लिखा गया? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो, लाउडस्पीकर हो तो, बुलडोजर हो तो, ये सब कुछ अल्पसंख्यकों के ही खिलाफ हो रहा है देश में, आप यही कह रहे हैं? पत्थरबाजी हो वो अगर हिंदू शोभा यात्राओं में हो रहा है तो उसको उस पर आंख बंद कर ले, वो सब चल जाए। नहीं, लेकिन ये तीन बड़े मुद्दे जिन पर मैंने आपसे सवाल किया, इन तीनों में ना मुस्लिम्स का विक्टिम कार्ड क्या आप नहीं खेल रहे हैं? मैडम देखिए, आपने क्या कहा? लाउड स्पीकर आपने कहा, बुलडोजर आपने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और रहेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पहले फंडामेंटल राइट आते, उस फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 26 बी है, उस फंडामेंटल राइट का हिस्सा रूल ऑफ लॉ है, जिसका धज्जियां उड़ा दी गई बुलडोजर चलाकर। आपने सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया, आपने मध्य प्रदेश में जिसके हाथ नहीं है कटे हुए उसको आपने, उस पर इल्जाम लगाकर उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया। तो ये तीनों मुद्दे सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे नहीं है, ये देश की संविधान की सुप्रीमेसी के मुद्दे हैं।
जिसको बीजेपी रूल ऑफ लॉ को खत्म करना चाहती है और नफरत का बीज बीजेपी बो चुकी है उस पर अपनी सियासत बीजेपी खेल रही है कि मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों की अजां से खतरा, मुसलमानों के महिलाओं के हिजाब से खतरा, मुसलमानों के गोश्त खाने से खतरा, मुसलमान की हर चीज से खतरा बीजेपी पैदा कर रही है इस देश में। यही तो बीजेपी की कोशिश है। साध्वी प्रज्ञा कह रही है सर, उनका अभी बयान आया है, वो ये कह रही है कि हनुमान चालीसा अपने देश में नहीं पढ़ेंगे, जहां मन करेगा वहां नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पाकिस्तान में जाकर पढ़ेंगे? वो ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर एक देश दे दिया गया था और धर्म के आधार पर ये हिंदुओं का देश है, यहां पर उनका जो मन में आएगा वो करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मैडम, ये आपको जेब नहीं देता कि आप ऐसे पर्सनालिटी या महिला का नाम लें जिन पर टेररिज्म का आरोप चल रहा है, जिन्होंने एक देशभक्त को, जिसने पाकिस्तान के टेररिस्ट से लड़ते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, हेमंत करकरे को शराब शाप शाप दिया, बदुआ दी, जिसने गोडसे की तारीफ की, कम से कम आपके इतने बड़े अजीम चैनल के ऊपर ऐसे लोगों का जिक्र मत करिए। और रहा सवाल के चुनी हुई सांसद देश के पाकिस्तान, हाँ हाँ बहुत से बिल्कुल है, मगर ये भी जो आपसे बयान किया हूं, नहीं 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 मैंने आप बिल्कुल है, मैंने जो कहा यह भी सच्चाई है। क्या भारत हिंदुओं का है? क्या भारत हिंदुत्व उसकी उसका आईन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या सावरकर की किताब कॉन्स्टिट्यूशन है या अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है? हमको बता दें बीजेपी वाले। मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं था ना है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के जिना के टू नेशन थ्योरी को ठुकराया। भारत की खूबसूरती है कि तमाम मजाहिब को, रिलीजन को मानता है, कल्चर्स को मानता है, इसका ना एक कल्चर है ना इसका एक मजहब है। यह भारत की ताकत है, यह भारत की खूबसूरती है। अगर आप कह रहे हैं कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है तो संविधान के खिलाफ है, आप भारत के दुश्मन है अगर कोई यह कह रहा है तो। भारत का कोई मजहब नहीं है, कितने बार हम कह चुके हैं, मगर ये लोग तो टू नेशन थ्योरी को ये लोग जिंदा रखते हैं, हम नहीं जिंदा रखते इसको। हम ये कहते हैं कि भारत सब मजहब का है क्योंकि संविधान कहता है। अब शुद्ध देसी पॉलिटिकल बात आपसे करते हैं सर, मतलब पॉलिटिकली अगर देखें तो ये तीनों इश्यूज आपको भी सूट ही करते हैं, चाहे वो लाउडस्पीकर वाला हो, बुलडोजर हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, क्योंकि फिर वो आपको मौका देता है, आप अपनी ताकत दिखाते हैं। अरे मैडम, अगर अल्लाह ने उसके हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे थोड़ी बहुत बोलने की सलाहियत दी है तो मैं क्या करूं? अगर गूंगे गूंगे बनकर बैठे हैं, जिनकी आंखें अंधे बनकर बैठे हैं, जिनको दिमाग दिया वो उनके दिमाग पर पर्दा पड़ चुका है, तो इसका जिम्मेदार मैं कैसे होऊंगा मैडम? और अगर अंजना ओम कश्यप और आज तक किसी को बुलाती है तो अंधे गूंगे को तो नहीं बुलाती है ना, किसी बोलने वाले को बुलाती है ताकि आपके टेढ़े सवालात का सही जवाब दे सके। और मैं जवाब देते आया हूं, आप दोबारा बुलाएंगे फिर आ जाऊंगा मैं। इसमें सवाल कौन सा टेढ़ा था सर, मैं तो बस ये चाह रही थी कि जाते जाते आप उतना ही दुख झाजी की भी दुकान पर जता दें जितना आपको मस्जिद के बाहर दुकान ढाने पर था, मैं तो बस इतना चाह रही थी सर। आप पत्थरबाजी पर भी उतनी ही मैडम निंदा करें। मैडम मैं तो गुप्ता साहब की नहीं, ना 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 बिल्कुल नहीं, मैं तो गुप्ता साहब से मोहब्बत करता हूं और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, हालत रोजा में हूं, कि अल्लाह उनसे इंसाफ करे। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जिसने गुप्ता साहब को, उन गरीबों को, बेघर और लाचार और उनको अपनी रोजी से महरूम कर दिया, अल्लाह उनको देख लेगा, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। आप कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता। दिल्ली में अगर वो जुलूस का पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं हमने परमिशन नहीं दिया, तो क्या दिल्ली में बगैर परमिशन के जुलूस प्रोसेशन निकाला जाता है क्या? देश की राजधानी है, कोई भारत का किसी कोने का गांव भी नहीं है, वहां पर भी बगैर परमिशन के प्रोसेशन नहीं निकाला जाता जी। आप बताइए, मध्य प्रदेश में आपने खरगोन में बर्बाद कर दिया घरों को, सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया आपने, हाँ। और एक बच्चा एक बच्ची से शादी करता है तो क्योंकि मुसलमान है, डिंडोरी में आसिफ खान का घर आपने तोड़ दिया, क्यों तोड़ा आपने?
कौन से कानून के तहत तोड़ा आपने? आपने रूल ऑफ लॉ को कमजोर करने का काम बीजेपी कर रही, और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुकी है। और अफसोस की बात यह है कि तमाम सेक्युलर पार्टियां गूंगी बनकर बैठी हैं, क्योंकि डरती हैं इन मामलात पर बोलने के लिए, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं हमको हिंदू वोट हमसे ना छूट जाए। इनमें बीजेपी और इनमें कोई अब फर्क बाकी नहीं रहा, ये सब के सब खामोश तमाशाई बनकर बैठे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। बीजेपी का ऐलान जंग आप मुसलमानों के खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन इसी से आपको भी मौका मिलता है मुसलमानों का योद्धा और मसीहा बनकर मैदान जंग में उतरने का। धन्यवाद सर आपका। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।